उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि जिला परिषद कुरुक्षेत्र के 6 वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस जिले के 17 वार्डों का ड्रा ऑफ लॉट से वार्ड आरक्षण का कार्य पूरा किया गया है। इन वार्डों को आरक्षण करने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उपायुक्त मुकुल कुमार की अध्यक्षता में आज पंचायत भवन के सभागार में जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वार्डों का आरक्षण ड्रा लॉट ऑफ के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पंचायती राज नियमावली के तहत जिला कुरुक्षेत्र की पंचायत समिति के वार्डों की सूची तथा जिला परिषद के वार्डों की सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जून 2021 को किया जा चुका है। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियमावली 2021 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाएं व सामान्य जाति की महिलाओं की सीटों का आरक्षण क्रमबद्ध नंबर अनुसार व पिछड़ा वर्ग का की सीटों का आरक्षित करने तथा पिछड़ी जाति ए के लिए वार्ड आरक्षित करने हेतु ड्रॉ ऑफ लॉट से किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति महिला सहित के आरक्षित वार्डों में अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड 3 व 15, अनुसूचित महिला के वार्ड के अलावा वार्ड 1 व 12, पिछड़ी जाति का के लिए आरक्षित वार्डों में महिला के अलावा वार्ड 2 और 5, शेष वार्डों में महिला के लिए वार्ड नंबर 4, 6, 8, 10, 13, 16 तथा महिला के अलावा वार्ड 7, 9, 11, 14 व 17 आरक्षित किए गए हैं। इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ अश्विनी मलिक, केडीबी के सीईओ अनुभव मेहता, डीडीपीओ प्रताप सिंह, निवर्तमान जिला परिषद चेयरमैन गुरदयाल सुनहरी आदि मौजूद थे। जैसा कि आज 7 तारीख को 11 बजे पंचायत भवन कुरुक्षेत्र के सभागार जिला परिषद की रिजर्वेशन जो होनी थी वार्ड की, उसको रखा गया था। तो आज आप सभी की विधिवत रूप से वो ड्रॉ निकाला गया है। ड्रॉ के रिजल्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। अनुसूचित जाति महिला के लिए वार्ड नंबर 3 और 15 आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति महिला के अलावा वार्ड नंबर 1 और 12 आरक्षित किए गए हैं। पिछड़ी जाति आरक्षित वार्ड डीसी ए के लिए वार्ड नंबर 2 और 5 जो महिला के अलावा वो आरक्षित किए गए हैं। शेष वार्ड में महिला में वार्ड नंबर 4, 6, 8, 10, 13 और 16 आरक्षित किए गए हैं। और शेष उसी कैटेगरी में महिला के अलावा जो शेष वार्ड की कैटेगरी है उसमें वार्ड नंबर 7, 9, 11, 14 और 17 किए गए हैं। तो ये पूरा प्रतिदिन हमारे 17 वार्ड का आरक्षण है। वो कंसर्न SDM उसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, वो आप बना दिए जाएंगे।